मैजिकल फिश मशीन। गरियाल नाम के गांव में दास और बबीता नाम के पति पत्नी रहते थे। वो हर रोज तालाब में जाकर मछलियां पकड़ते थे। उनका एक मछली बेचने का स्टॉल था। वो जो मछली पकड़ते थे उनका अलग अलग किस्म के व्यंजन बनाकर उस स्टॉल में बेचते थे। एक दिन जब वो तालाब के पास आए तो गांव का मुखिया जीतू और व्यापारी प्यारे लाल वहां खड़े थे। देखो दास, अब से तुम इस तालाब में मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि प्यारे लाल जी ने इसे लीज में ले लिया है। यहाँ ये कृत्रिम तरीके से मछलियाँ तैयार करेंगे और उन्हें बेचेंगे। तुम्हें अगर मछलियों की जरूरत हो अब से तो इनसे ही खरीदना होगा, समझे? ये क्या बात हुई जीतू जी, हम तो हमेशा से यहाँ मछलियाँ पकड़ते आए हैं, आप अपनी मर्जी से ये तालाब उन्हें कैसे दे सकते हैं? वैसे भी कृत्रिम तरीके से मछलियाँ पालने से कई किस्म की बीमारियाँ होती हैं। देखो दास, ये सब पंचायत का फैसला है। एक बार पंचायत ने दस्तखत कर दिया उसके बाद कोई कुछ नहीं कह सकता। और रही बात कृत्रिम तरीके से पालने की मछलियों को, तो इसमें गलत क्या है? लोगों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना हो तो कृत्रिम तरीके से ही तो मछलियाँ पालने होंगे, और कोई चारा नहीं है। ये सुनकर दास की पत्नी बबीता, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे कमीनों को वोट मत डाला करो, अब भुगतो। अरे जिन्होंने जताया उनके ही पेट में लात मार रहा है। दत्त, तुम्हें वोट डालकर हमने बहुत बड़ी गलती की। देखो बबीता, जोश में आकर तुम कुछ भी बोल रही हो, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकारी ऑर्डर है। उन्होंने इनकम बढ़ाने के लिए ऑर्डर डाला है, मैंने तो सिर्फ दस्तखत किया। ठीक है, अगर तुम इस तालाब के लिए बोली लगाना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हें ही दिला देता हूँ। तब प्यारे लाल परेशान होकर, अरे ये क्या मुखिया जी, अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बोलो और दे दूंगा, पर ये नई मुसीबत क्या खड़ी कर रहे हो? अरे आप चुप रहिए ना प्यारे लाल जी, अरे हर बात पे इतना डरते क्यों हैं आप? ये तो दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर लोग हैं, इनके पास एक दिन गुजारने के लिए पैसे नहीं होते तो लाखों की बोली कहाँ से लगाएंगे? अरे मैंने तो यूं ही कह दिया फ्लो में। सोच में पड़े दास और बबीता से जीतू, देखो दास, तुम ये ना सोचो कि प्यारे लाल ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वो देखो, वो तालाब के जो ऊपरी वाला हिस्सा है ना, वहाँ तुम बेझिझक जितनी मछलियाँ पकड़ सकते हो पकड़ लो, ठीक है? आह क्या बात करते हो जीतू, अरे वो तालाब का ऊपरी हिस्सा है, सब जानते हैं कि वहाँ मछलियाँ नहीं होती, तो मैं वहाँ क्या पकड़ूं? देखो भाई, यूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हम कोई देवता नहीं है। अगर मर्जी हो तो वहाँ मछली पकड़ो, वरना रहने दो। अगर आनाकानी की और यहाँ मछली पकड़ने आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, खबरदार। चलो मुखिया जी, कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। यूं बेचारे वे दोनों ना मछली पकड़ पाकर ना ही अपना स्टॉल चला पाकर बहुत दुखी थे। एक दिन उनके घर एक भिखारी आया। ए माई, बहुत भूख लगी है माई, कुछ खाने के लिए दो ना माई, तुम्हें पुण्य मिलेगा। अरे भैया हमें माफ कर दो, तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह भीख मांगना चाहते हैं, पर हमारा आत्मसम्मान हमें रोकता है, बुरा न मानना भैया। मुझे सब पता है बेटा, कहकर अपना हाथ हिलाया, बस वहाँ एक मशीन प्रकट हुआ। उसे देखकर पति पत्नी दोनों हैरान हो गए। बेटा ये एक मैजिकल फिश मशीन है, इसे तुम पानी के पास ले जाओ और पाइप को पानी में डालो, बस वो मछलियों को आकर्षित करेगा और तुम्हें देता रहेगा। महाशय आप हैं कौन और आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम मुझे कुछ भी समझो, कोई बात नहीं। एक और बात कहना भूल गया, ये मशीन सिर्फ मछलियाँ नहीं पकड़ती लेकिन मछली के व्यंजन भी बनाती हैं। इस मशीन द्वारा तुम खूब पैसे कमाओ और खुश रहो, कहकर गायब हो गया। वे दोनों हैरान होकर प्रणाम करने लगे। यूं वे दोनों उस मशीन को लेकर तालाब के ऊपरी भाग में गए और वहाँ पाइप को पानी में डाला। मशीन को ऑन करते ही उस मशीन से बहुत सारे मछलियां बाहर गिरने लगी। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। बाद में फिश स्टॉल में
जैसे ही मछलियों को मशीन के अंदर डाला तो दूसरी ओर से कई किस्म के व्यंजन बाहर निकलने लगे। उन्हें खाकर लोग बहुत खुश हुए। यूं हर रोज मशीन की मदद से मछलियां पकड़ते और स्टॉल में कई किस्म के व्यंजन बनाकर बेचते। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। लेकिन प्यारे लाल और उसके आदमी ने बहुत कोशिश की पर एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। एक दिन प्यारे लाल के आदमियों ने प्यारे लाल को उस मशीन के बारे में बताया। प्यारे लाल गुस्से में अपने आदमियों के साथ उस मशीन के पास आया। क्यों प्यारे लाल जी, आप हम जैसे भोले लोगों को धोखा दे सकते हैं लेकिन भगवान को ठग नहीं सकते। आप देखना चाहते हैं कि मछलियां कैसे पकड़ते हैं? देखिए हमारा जादुई फिश मशीन। कहकर उसने फिश मशीन को ऑन किया। बस एक एक करके मछलियां फिश मशीन से बाहर गिरने लगी। ये देखकर प्यारे लाल दंग रह गया। बाद में दास ने मशीन के एक सिरे में एक मछली को डाला तो दूसरी ओर से बढ़िया सा व्यंजन बाहर निकला। ये देखकर प्यारे लाल और दंग रह गया। ए, ये सब मेरी मछलियां हैं। चुपचाप वो मशीन मुझे दे दो वरना मेरे आदमी तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। खबरदार। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हैं? ये सोचकर कि तुम बड़े आदमी हो हम आराम से बात कर रहे थे। अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो देख लो। अरे मेरे पति पहलवान रह चुके हैं, जरा हाथ लगा कर तो देखो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। यूं जैसे ही गुंडे उसके पास आए तो दास ने उनको पटक के मारा। वे सब डर कर वहां से भाग गए। उस दिन से बबीता और दास तालाब से मछली पकड़ते और मशीन के सहारे से कई किस्म के व्यंजन बनाकर अपने फिश स्टॉल में बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगे। वाटरमेलन तंदूरी फिश। एक गांव में गणेश दीपिका नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके पास 2 एकड़ का खेत था लेकिन उसमें खेती करने के लिए उनके पास कभी पैसे नहीं होते थे। पेट भरने के लिए गांव के सरपंच नायक के खेत में मजदूरी का काम करते थे। एक दिन दीपिका, और कितने दिन जी हम ऐसे ही जीते रहेंगे? सोने के जैसे खेत रख कर भी हमें मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। वो सरपंच तो हमसे गधे जितनी मेहनत करवाता है और आखिर में इतने से ही पैसे देता है। यही है क्या अब हमारा जीवन? कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा, सोचो जरा। इसीलिए हम किसी से उधार लेकर भी हमारे खेत में तरबूज के बीज बोते हैं जी, उसमें बहुत फायदा होता है। तरबूज की खेती करना तरबूज खाने जितना आसान नहीं है रही। ट्रैक्टर से खेत में हल चलाना होगा, बीज उर्वरक कीटनाशकों सब खरीदना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, फसल की देखभाल करनी होगी। ऐसे बहुत बड़ी प्रक्रिया है। उधारी एकदम आग की तरह होता है, एक बार लग गई तो हमें पूरी तरह खाली करने तक नहीं छोड़ता। मुझ पे भरोसा रखो, एक बिजनेस करने के लिए कुछ विचार किया हूँ। अगले दिन गणेश नायक से मिलकर, सेठ आपको तो पता ही है मेरे पास 2 एकड़ का खेत है, उसपे मैं व्यापार करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए निवेश को जो भी पैसे हैं अगर वो आप दे दे तो फसल हाथ आते ही आपको वापस दे दूंगा। ब्याज देने जितने मेरी औकात नहीं है, दया करके मेरी मदद कर दो। नायक कुछ देर सोचकर, ठीक है एक काम करो, फसल के लिए निवेश मैं दूंगा, तुमको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन फसल में से आधा हिस्सा मेरा होगा। अगर मंजूर है तो बोलो, कल ही पैसे देता हूँ। गणेश मन में, ये तो अच्छा ही है, सोचकर हाँ कर दिया। उसके जाति नायक कुमुस्ता शुक्ला से, बड़ा आया व्यापार करने वाला, इसको देख के सब अपना अपना धंधा करने लगे तो अपने खेतों में मजदूरी का काम कौन करेगा। ये आज के बाद कभी व्यापार का नाम भी ना ले, ऐसा कुछ करता हूँ मैं, देखते जाओ तुम। अगले दिन नायक ने गणेश को पैसे देकर अग्रीमेंट पर साइन करवा लिया। गणेश और दीपिका ने मिलकर मेहनत से वो खेत में खेती किए। थोड़े समय में उस खेत में अच्छे अच्छे तरबूज उग गए। दोनों वो देखकर बहुत खुश हुए।
उसी समय वहाँ पर नायक और शुक्ला आए। हाँ भाई गणेश, अपने अग्रीमेंट के हिसाब से फायदे का आधा हिस्सा मेरा है, मतलब तरबूज के अंदर का हिस्सा मेरा और बाहर का हिस्सा तेरा। शुक्ला, काम वालों को बुलाकर तरबूज को आधा करके अंदर का हिस्सा निकाल कर जूस फैक्ट्री में भेजने कहो, बाकी का हिस्सा इनको दे दो, ये बेच लेंगे। सेठ सेठ, ये तो अन्याय है, हमने इतनी मेहनत की है और हमें बस छिलके दोगे? ऐसा है तो हमें आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम कोई और तरीका देख लेंगे। सेठ, क्या देख लोगे? तुम्हारे पति ने मेरे साथ 10 साल का अग्रीमेंट किया है, तो ये 10 साल तुम्हें मेरे साथ व्यापार करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खेत मेरा हो जाएगा। क्या जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? गणेश ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गणेश अपने झोपड़ी के सामने मिट्टी का चूल्हा बनवाया, एक ऑटो में मछली का लोड मंगाया। क्या कर रहे हो जी? स्पेशल वाटरमेलन दम फिश बना रहा हूँ री। ये सरपंच ऐसा कुछ करेगा ऐसा मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए ये व्यापार सोचा था। देखते रहो तुम, अब से उसे हमें तरबूज के छिलके देते देते उसकी जान चली जाएगी। दीपिका को कुछ समझ नहीं आया। गणेश वो मछली के लिए तंदूरी मसाला मंगवाया, तरबूज के ऊपर के हिस्से के बीच मछली को रख कर और एक हिस्से से उसे बंद कर दिया। उसे आग के ऊपर रखकर जलाने लगा। 20 मिनट तक वो उसे आग के ऊपर रखा। 20 मिनट के बाद वो तरबूज के हिस्सों को निकाला, अंदर गरम गरम तंदूरी फिश रेडी थे। दीपिका ये देखकर आश्चर्यजनक हो गई थी, उसकी खुशबू से ही लोग वहाँ पर जमा होने लगे। दीपिका सबको वो तंदूरी फिश देने लगी, सबको फिश बहुत स्वादिष्ट लगी। जल्द ही इनका तंदूरी फिश के बारे में पूरे जिला को पता लग गया, लोग उनके घर के सामने लाइन लगाकर खड़े थे। गणेश दीपिका एक के बाद एक खेत में तरबूज का फसल लगाते गए। तरबूज के फिर उगते ही नायक को बुलाकर गणेश, सर जल्दी से अंदर का हिस्सा आप निकाल कर ऊपर के छिलके हमें दे दीजिए, हमारे पास कल तंदूरी फिश के बहुत ऑर्डर्स हैं। नायक ने अपना सर पकड़ लिया। ऐसे ही गणेश और दीपिका छिलकों से तंदूरी फिश तैयार करने लगे, बहुत पैसे कमाने लगे। जल्द ही उन्होंने एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया, अपना एक खेत भी खरीद लिया। एक दिन नायक उनके खेत के पास आया। अरे ठंडी का मौसम है, ये जानकर भी तरबूज उगा रहे हो, तुझे उसके छिलके निकाल कर देने में मजदूरी खर्च के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है। अब मैं तुम्हें तरबूज के पैसे नहीं दे सकता हूँ रे, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अग्रीमेंट्स के पेपर्स फाड़ दिया। तब से गणेश दीपिका तंदूरी फिश के साथ साथ तरबूज के टुकड़े और जूस भी बेचने लगे।